एक तरह से जो है कि कैंडल मार्च के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि झारखंड सरकार हाथ में आए, आयोग हाथ में आए, जैसे सीटीएल सीट में चुनाव बंद करे, 28 तारीख का सभी पेपर को रद्द करे, 4 तारीख को किसी भी हाल में परीक्षा नहीं होना चाहिए। अगर नोटिस नहीं निकलता है तो कल जैसे निकलता है ऐतिहासिक जनसैलाब उमड़ेगा, कल 28 तारीख का पेपर 2 है, उसका भी एविडेंस पॉलिटिक पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आप उसको रद्द करिए तत्काल, सीबीआई जांच की डिमांड जो हमारी इसको पूरे करिए, अन्यथा अभी ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, छात्रों का पूरे राज्य से सैलाब आएगा और फिर उस समय विधि व्यवस्था का कोई गारंटी नहीं है। ये अभी हम एक तरह से वार्निंग आपको देना चाहते हैं कि या तो हमारी बात मान लीजिए या तो परिणाम झेलने के लिए तैयार रहिए। तमाम जेएसएससी के छात्र जो है सो अपना मतदान को लेकर कैंडल मार्च करते हुए फिलहाल चौक पहुंच चुके हैं और ये नजारा आप देख सकते हैं, तमाम छात्र यहाँ पे हैं और ये अपना हक अधिकार को लगातार लेकर के जो है सो जिस तरह से अन्याय किया गया है, ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये हाथों में कैंडल आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के साथ उनके भविष्य को बेचने का काम किया गया, उनके भविष्य को जिस तरह से 20 लाख 25 लाख में तय करने का काम किया गया है, ये आप छात्रों का हुजूम देख सकते हैं। ये छात्र लगातार सीट बेचना बंद करो, सीट बेचना बंद करो, जैसे से जवाब दो, जैसे से परीक्षा को तुरंत स्थगित करे, जैसे से 4 तारीख के परीक्षा को तुरंत स्थगित करे, जैसे से हाय हाय गरीबों का सीट बेचना बंद करो। तमाम लोग जो है सो कैंडल लेकर के हाथ में जो है सो और यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये छात्रों का दर्द है, ये छात्रों का पीड़ा है, आप लोग आज झारखंड की राजधानी रांची में अल्बर्ट का चौक मेन रोड में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और यह कैंडल मार्च साफ तरह से जो है कि कैंडल मार्च के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि झारखंड सरकार हाथ में आए, आयोग हाथ में आए, जेएसएससी सीजीएल सीट में चुनाव बंद करे, 28 तारीख का सभी पेपर को रद्द करे, 4 तारीख को किसी भी हाल में परीक्षा नहीं होना चाहिए, अगर नोटिस नहीं निकलता है तो कल जैसे निकलते ऐतिहासिक जनसैलाब उमड़ेगा, कल एक पेड़ बता देंगे और साथ नहीं करेंगे हम लोग। क्या कुछ कब तक आप लोग यहाँ पे अभी जब तक है उच्च अधिकारी आकर के हमें नोटिस के बारे हमको विश्वास मिलेगा तब तक अलबत्त का चौक को हम लोग जाम करके रखेंगे, पूरी तरह जाम कर देंगे। कब तक बैठिएगा आप लोग? जब तक हम लोग के लिए साफ न्याय नहीं होगा तब तक कोई यहाँ से उठेगा नहीं। हम लोग के साथ हर साल यही होता है, हर प्रश्न पत्र को लीक कर दिया जाता है और कोई उसका जवाब जो ही लेने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर ये इतनी बड़ी महकमा किस काम की जब एक परीक्षा सही से नहीं करा पाती है, चाहे वो जेएसएससी हो चाहे वो और भी कोई मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, ना नियमावली बना पाती है ना ही कोई एग्जाम सही से करा पाती है। क्वेश्चन को अगर परीक्षार्थी जाकर देते हैं उसके बाद ये पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया है और विद्यार्थी घर नहीं पहुंचे हैं और क्वेश्चन प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया। आखिर कब तक सहेंगे ये छात्र, ये छात्र कब तक सहेंगे, हम लोग कब तक इस चीज को झेलते रहेंगे कि हम लोग परीक्षा दें हम लोग की उम्र पार होती रही, आखिर कब तक हम लोग इस राज्य में जन्म लेके क्या गुनाह किए कि हर साल हम लोग के साथ ये होता है, क्यों हम लोग के साथ ही ऐसा होता है, हम लोग को न्याय कब तक मिलेगा, यही हमसे हम लोग की गुजारिश है। अगर इस साल हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ तो ये सरकार नहीं बचेगी, ये हेमंत सोरेन नहीं बचेगा, ये वादा है हम लोग का। जब तक देखिए 28 तारीख का जो एग्जाम हुआ है उसको पूरा रद्द किया जाए और 4 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है उसको रद्द करने का नोटिस जारी किया जाए और जब तक नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे ही बैठेंगे, क्योंकि नीरज सिन्हा सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई एक पेपर लीक हुआ है तो जाहिर सी बात है सारा पेपर लीक हुआ होगा, तो इसमें सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं ऊपर वाला माफिया गैंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो कि जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है कब तक आप लोग बैठिएगा कैंडल लेकर के हाथों में? जब तक हम लोग का बात नहीं माने आयोग तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहना है? बैठे रहना है। आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल अन्याय हुआ है। 2019 के बाद अगर कोई भी एग्जाम अगर फेल हुआ है तो बता दीजिए, कोई भी एग्जाम, ये सारा ब्रह्मांड का बुद्धिजीवी यहीं बैठा हुआ है जो कट ऑफ 85 जाता है। आयोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जब भी वैकेंसी निकाले तो वो उसमें योग्यता में यही लिखे कि जिसके पास 25 लाख है 50 लाख है वही फॉर्म भरे,
नहीं है, यही पे है, रांची का है। क्या लगता है आपके साथ गलत हुआ है जेएसएससी सीजीएल का? बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ, जो मेहनत करके इतने साल से पढ़ रहे हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। जो स्कैम मार्केट में चल रहा है उन वो रोकना चाहिए स्कैम को, और स्टूडेंट को उसके एबिलिटी के अनुसार एग्जाम दिया जाना चाहिए, उसके एबिलिटी के अनुसार नौकरी मिलना चाहिए। ये तमाम जेएसएससी के सीजीएल के छात्र हैं और इतने आक्रोशित हैं कि लगातार जो है सो ये लोग नारेबाजी करते हुए हाथ में कैंडल लेते हुए और अपना हक अधिकार को मांगने का प्रयास करेंगे। तमाम तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे होंगे ये छात्र कितने आक्रोशित हैं, और ये छात्रों का हुजूम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि राज्य में कितनी बड़ी बात हुई है, कितनी बड़ी पेपर लीक हुई है। ये तमाम तस्वीरें राजधानी रांची के फिरायलाल चौक से आपको हम सीधे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का स्थिति क्या है और यहाँ का माहौल क्या है और कैसे देखते हैं कुणाल सर, तमाम छात्र आक्रोशित हैं। बिल्कुल, आक्रोश का कारण भी है, और इस आपके सफर चलते मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री जी को आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी सबसे पहली मांग है कि 4 तारीख का परीक्षा और सहायक आचार्य का होने वाला परीक्षा 10 तारीख को तत्काल स्थगित करें। इसका कारण है कि एजेंसी वही है, ठीक है, एजेंसी वही है। साथ ही साथ जो 28 तारीख का पेपर 2 है उसका भी एविडेंस पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आप उसको रद्द करिए तत्काल। सीबीआई जांच की डिमांड जो हमारी इसको पूरे करिए, अन्यथा अभी ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। छात्रों का पूरे राज्य से सैलाब आएगा और फिर उस समय विधि व्यवस्था का कोई गारंटी नहीं है। ये अभी हम आप एक तरह से वार्निंग आपको देना चाहते हैं कि या तो हमारी बात मान लीजिए या तो परिणाम झेलने के लिए तैयार रहिए। छात्र सर यहाँ पे भर चुका है, पाप का घड़ा बिल्कुल भर चुका है, और बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं छात्रों को। और आज का ये प्रतीकात्मक है, सरकार को एक चेतावनी के रूप में है, आयोग को चेतावनी के रूप में है कि जो डिमांड है 4 तारीख का एग्जाम को स्थगित करने का नोटिस जारी करो, अन्यथा 4 तारीख के पहले एक इतना बड़ा छात्रों का हुजूम निकलेगा, प्रचंड हुजूम निकलेगा, जिसे रोकना हेमंत सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा हिम निकलनी चाहिए। भैया हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग पढ़ लिख के नौकरी दो, आतंकवादी बनने के लिए मजबूर मत करो। यहाँ पे एक भगत सिंह नहीं, कितना भगत सिंह पैदा होगा ना, इसके लिए हम लोग को मजबूर मत करो भाई। आराम से एग्जाम लो, शांतिपूर्ण एग्जाम लो, फ्रेश से एग्जाम लो, रिजल्ट दो, और आपने यदि नहीं है आप रिजाइन दो। आप तो बोले थे राजनीति में आने से पहले कि आप देंगे रिजाइन, 5 साल में 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति इस्तीफा का खा के इस्तीफा दीजिए आप भैया, इसलिए मजबूर मत करो, ठीक है, आप फ्रेश से एग्जाम करो, ज्वाइनिंग दिलाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, ये तमाम छात्र हैं सीजीएल के छात्र हैं और जैसे सीजीएल के छात्र हैं और पूरी तरह से आक्रोशित है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि छात्रों के अंदर क्या कुछ गुस्सा है, क्या कुछ पीड़ा है, क्या कुछ दर्द है, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि छात्र कितने पीड़े में है, कितने दर्द में है, और लगातार हाथ में कैंडल लेकर के कैंडल मार्च लेकर के ये कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बकायदा जो 3-4 तारीख को एग्जाम है वो रद्द किया जाए और पुनः उसको गठित किया जाए ताकि फिर से इस तरह की कोई धांधली ना हो, और नई एजेंसी को दी जाए परीक्षा लेने का जो तौर तरीका है वो दूसरे को दिया जाए ताकि इस तरह की इतना बड़ा धांधली पूरे झारखंड में ना हो। और ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ माहौल है, तमाम छात्र कितने आक्रोशित हैं। ये तमाम छात्र अपना हक अधिकार को लेकर के यहाँ पे लगातार रांची के फिरायलाल चौक में ये लोग हैं, कैंडल में हाथ में है, कैंडल लेकर के कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये बस दिखाने का प्रयास है, समझाने का प्रयास है कि हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो, हमारे साथ किसी भी तरह का घात ना किया जाए, जिस तरह से झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है इस तरह की घटना ना हो जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं इन तमाम छात्रों के को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।